हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे गेट लाइफ साइंसेस के बॉटनी के डिटेल सॉल्यूशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट डाला था, सर कि सिर्फ आप बायोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशन को अपलोड कर रहे हो, उसके वीडियोज़ को आप बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी के भी सॉल्यूशन को के वीडियोस अपलोड करो। तो मैं आज के उसी कंटिन्यूशन में या उस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करते हुए बॉटनी का डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ फ्रॉम गेट 2018 क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा प्रोड्यूस्ड डाइमॉर्फिक सीड दैट हेल्प टू ब्रॉडन द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इन ए वेरिएबल हैबिटेट। यानी यहाँ पर कौन सा वो प्लांट है जिसमें डाइमॉर्फिक यानी दो तरह के डिफरेंट टाइप के सीड्स फॉर्म करता है, यानी एक अगर फेवरेबल कंडीशन है और एक है अनफेवरेबल। जैसे वाटर की कमी हो गई, अनफेवरेबल, वाटर प्रेजेंट है फेवरेबल कंडीशन, तो इस फेवरेबल कंडीशन में सीड एक तरीके का सीड टाइप वन, और इस अनफेवरेबल में सीड दूसरे तरह का टाइप टू। हो सकता है इसका सीड कोट ज्यादा थिक हो अनफेवरेबल कंडीशन में, सीड वन में क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है सीड कोट थिन हो ताकि जल्दी जर्मिनेट करे। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के सीड्स फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिक। तो वो कौन सा प्लांट ऐसा है जो डाइमॉर्फिक सीड प्रोड्यूस करता है? तो आंसर है ज़ैंथियम। ज़ैंथियम इज दैट ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ सीड डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन फेवरेबल और अनफेवरेबल। बाकी पाइसम, मैग्निफेरा और लिमनम, ये तीनों जो हैं वो एक तरह के ही सीड प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट एक ही टाइप के सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़ैंथियम इज एक्सेप्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जीन फॉर माइक्रो आरएनए MIRNA इन द प्लांट आर यूजुअली ट्रांसक्राइब बाय। तो माइक्रो आरएनए बेसिकली यूज होता है रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन फॉर ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ MRNA। इसी जीन के एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करता है, ठीक है, इसको माइक्रो आरएनए बोलते हैं। तो ये प्रोड्यूस होता है, बेसिकली ये सिंथेसाइज होता है टाइप टू से। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन द यूकैरियोटिक, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। टाइप वन बेसिकली यहाँ पर जितने भी ये राइबोसोम हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, जैसे 28S, 5.5S, उसके बाद में 18S, ये तीनों ये mRNA सिंथेसिस करता है, जितने भी mRNA। इसके अलावा miRNA भी यही सिंथेसिस करता है। टाइप थ्री ज़्यादा tRNA सिंथेसिस करता है प्लस 5SrRNA, ये सिंथेसाइज करता है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज 4 का कोई काम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ACNDS? ACNDS, अब ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है? जंपिंग जीन, इनको जंपिंग जीन भी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब ये जीन के पोर्शन किसी एक जगह से रिलीज आउट होकर दूसरी जगह जाते हैं, आउट होकर। अब AC और DS क्या है? AC का मतलब है जो ऑटोनोमस हो, इसका मतलब क्या है? ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या कर सकते हैं? ये खुद अपना एक कॉपी बनाएंगे। जैसे ये जी DNA है, इसमें यहाँ पर कहीं सपोज ये वाला पोर्शन ट्रांसपोजेबल है, तो ये अब इस पर DNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा और इसका कॉपी बनेगा, एक कॉपी बना, और ये कॉपी DNA का कॉपी यहाँ से कहीं और, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट, DS is not autonomous. DS is depending on AC for moving from one point to another point. This answer over C. ठीक, next question पे आ रहे हैं। Identify the correct statement. Receptor-like kinase play a role in gametophytic self-incompatibility in brassicacy. देखिए, self-incompatibility का मतलब क्या है? वो self वाले plant के pollen grain और जो एग है,
वो फर्टिलाइज्ड नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, इसको प्रमोट करेगा, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो ये जनरली गैमेटोफाइट में हो सकता है या स्पोरोफाइट में, तो आंसर है गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन यानी जायगोट जब बनना है तो एक जो हैप्लॉयड है वो पॉलन ग्रेन के साथ में मेटिंग करके जायगोट बनाएंगे, तो ये सेल्फ इनकम्पेटेबल है। तो किस स्टेज में होगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज में, गैमेटिक स्टेज में, इसमें स्पोरोफाइटिक वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये पहले समझना है। स्पोरोफाइटिक जनरली प्लांट के डिप्लॉयड स्टेज होता है, ठीक है, गैमेट के बाद से फ्रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर फॉर्मेशन, ये सारे। तो या तो आंसर डी होगा या तो फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखा गया है सोलेनेसी फैमिली में क्वाइट कॉमन है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेटो फैमिली, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इकोटोन, ये तो क्लास 11th 12th के इकोलॉजी से क्वेश्चन आया। इकोटोन का मतलब होता है जहां पर दो इकोसिस्टम ओवरलैपिंग करें, तो ये एक अलग स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीसीज 2, ये एक स्पीसीज, वहां पर ये ओवरलैपिंग करें, वहां पर सेम स्पीसीज जो होंगे वो स्पीसीज फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल दें कि जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, वहाँ जो पर्सन या पीपल रिसाइड करते हैं या वहाँ जो रहते हैं, उनका बहुत सारा मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस चाइनीज पीपल से मैच करता है, क्योंकि चाइनीज का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर उस एरिया के बॉर्डर से लगता है, हम लोग नहीं दिखते क्योंकि हम लोग चाइना के बॉर्डर से बहुत दूर है। तो इसको बोलते हैं इकोटोन, ऑप्शन ये समझा, इकोटोन इज ए इंटरफेस जोनल ऑफ टू और मोर इकोसिस्टम, बी ऑप्शन। और ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है, इसको किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को मेरा कोई इंटेंशनली ये कहना नहीं है कि आप चाइनीज दिखते हैं या कुछ कमेंट, रेशियल कमेंट या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई हर्ट होने की बात नहीं है इसमें, और अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए सॉरी अभी बोल दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने नॉर्थ ईस्ट एग्जाम्पल देखकर क्या बताना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, दैट्स माई पर्सनल। ओके, ठीक है, अब हम लोग आते हैं सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। एसिड ड्रेन विथ पीएच 4 इज मोर एसिडिक देन द रेन ऑफ पीएच 6, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 10 पीएच 4 का मतलब 10 to the power 4, ठीक है, और 6 का मतलब है 10 to the power 6, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 to the power 6 डिवाइड बाय 10 to the power 4, यानी 100 fold, आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यलांग यलांग ऑयल, यलांग यलांग ऑयल आता है कॉन्गो ओडोराटा से, सॉरी कनांगा, कनांगा ओडोराटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है ऑक्सीजन का रिलेटेड। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन पीटीटी में इनफ्लेक्स कैरियर ऑक्सीजन इज ए साइटोसोलिक प्रोटीन, यही पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑक्स 1 ये कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन साइटोप्लाज्म में थोड़े होगा, वो तो मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा, ये तो मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड प्रोटीन, क्योंकि किसी सेल के अंदर ऑक्सीजन जब इंटर करता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से इंटर करेगा। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग ऑक्स वन बोलते हैं, और ये एग्जिट करता है तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पिन 1। तो रेस्ट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट एक्सेप्ट फर्स्ट, ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू विजुअलाइज सेलोस अंडर माइक्रोस्कोप, तो सेलोस कहाँ प्रेजेंट है, सेलोस नहीं, सेलोस ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ठीक है, इसको स्पेसिफिक डाई एनिलीन ब्लू से स्टेन करते हैं, ऑप्शन बी इज डायरेक्ट आंसर।
नेक्स्ट आ रहे हैं कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन XLR18 हैज सिंगल ऑफ 783 बेस पेयर द एप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XLR18 प्रोटीन इन किलोग्राम। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 बेस पेयर को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 3 न्यूक्लियोजेनेटिक कोडोन बनाता है। एक जेनेटिक कोडोन 1 एमिनो एसिड को कोड करते हैं, तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन 783 सिंपल डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसका आएगा कितना, 3 × 6 ये 18, 6 × 3 = 18, 261 एमिनो एसिड। इससे 261 एमिनो एसिड आएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, तो हम लोग को मालूम है कि 1 एमिनो एसिड का उन्होंने एवरेज मॉलिक्यूलर यहाँ पर एमिनो एसिड कितने हैं 261, तो 261 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 261 17820, ये होगा, तो ये होगा 28.71 किलो डाल्टन। क्योंकि किलो डाल्टन तो डिवाइड करना होगा इसको 1000 से, तो होप से ये समझा 20 से 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। स्टेटमेंट गिवन बिलो आर आइदर ट्रू और फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ओके, माइटोसिस कैन एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि डिप्लॉयड मदर सेल में ही माइटोसिस हो, यहां पर मियोसिस भी हो सकता है, ठीक है, माइटोसिस हैप्लॉयड सेल्स में भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए फॉल्स लिखा। अब आ रहे नेक्स्ट, माइटोसिस कैन अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, यस इट इज ट्रू, सच ट्रू हो गई, दोनों में हो सकता है, बिल्कुल सही है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में हो सकता है। मियोसिस अकर एक्सक्लूसिव इन डिप्लॉयड मदर सेल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मियोसिस जनरली, मियोसिस का मतलब क्या, रिडक्शन डिवीजन, तो रिडक्शन डिवीजन किस में होगा, हमेशा डिप्लॉयड सेल्स को ही हाफ किया, जो हाफ है उसको हाफ क्या किया जाएगा, का हाफ थोड़े हो सकता है, तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है, ठीक है, मियोसिस कभी भी हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होगा, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होंगे। लेकिन माइटोसिस जो कि इक्वेशनल डिवीजन है, इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रखने का काम है, तो डिप्लॉयड में भी होगा और हैप्लॉयड में भी होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट आ जाते हैं, मियोसिस अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल्स, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका रीजन अभी जस्ट देख लिया, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ रहे, यू आर asked to design a genetic construct for high level expression of gene encoding the therapeutic protein 18TP18 via plasmid transformation, select the correct set of genetic element for this construct. Okay, ye gene hai, is gene ka naam hai TP18, isko clone karna hai, to clone kar lenge cloning vector mein aur isse ek protein banega, वो प्रोटीन मेरे काम का है, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक्स प्रोटीन है। थेरेप्यूटिक्स प्रोटीन क्या होता है, जिससे कोई डिजीज को ठीक कर सके, जैसे डायबिटीज को ठीक करने के लिए हम लोग इंसुलिन लेते हैं, तो ये इंसुलिन इज ए थेरेप्यूटिक प्रोटीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन के लिए mRNA ट्रांसक्रिप्ट राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होना चाहिए, ठीक है, फिर प्रोमोटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, स्टॉप कोडन होना चाहिए, ये सारे होने चाहिए। तो अब आते हैं, ये प्रमोटर यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, प्रमोटर होना चाहिए क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एमआरएनए बनेगा, सबसे पहले उसका एमआरएनए बनना है, और इस एमआरएनए पर फिर राइबोसोम बाइंड करेगा और प्रोटीन बनाएगा, ठीक, तो प्रमोटर रीजन होना चाहिए, ये सी और डी ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, इन तीनों में से करेक्ट होगा। अब आते हैं कि एक्टिन का प्रोमोटर ले या आरबीएस, एस और एल, एस और एल क्या है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग जनरली लार्जर सब यूनिट को प्रेफर करते हैं, ठीक है, 28S का, क्योंकि ये कंस्टिट्यूटिव है, कंस्टिट्यूटिव एक्टिन भी है, आरबीएस भी है, एल है, लेकिन इन तीनों की स्टेबिलिटी में आरबीसी लार्ज सब यूनिट, तो 28S सबसे ज्यादा है, इनका एक्सप्रेशन रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांगली बाइंड करेंगे, इनका एक्सप्रेशन कराएंगे, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर भी इन्हीं का स्पेसिफिक करेंगे, आंसर डी इज मोर करेक्ट, होप सो ये समझा, क्योंकि कंस्टिट्यूटिव जीन है, इनका कंस्टिट्यूटिव सिंथेसिस होगा, ये प्रमोटर बहुत स्ट्रांगली आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड करते हैं।
अब आ रहे नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व फोटो सिस्टम फर्स्ट रिजल्ट इन ए नेट प्रोडक्शन ऑफ बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक, फोटो सिस्टम फर्स्ट नहीं, फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व होता है एटीपी और एनएडीपीएच के लिए, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ये और ये ऑप्शन कैसे कर रॉन्ग हो गया। अब आ रहे हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व फोटो सिस्टम फर्स्ट रिजल्ट इन नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यू वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर होगा ये, बस इसी से फाइनल होगा, लेकिन रेस्ट देख लेते हैं। देखिए यही है टाइम बचाने का तरीका, कि बस ये करेक्ट हो गया, श्योर हो गया, मूव कर जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। रुबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RuBP एंड CO2 इनटू 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम यूजुअली कन्वर्ट RuBP एंड O2, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्यू एंड एस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर इज सी। चलिए अब नेक्स्ट आ रहे हैं, सिंकोनस कैप्सूल फैमिली और प्लांट स्पीसीज। अच्छा, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, सिंकोनस कैप्सूल, लेग्यूम और इटैलियम, और इस तरफ में तो ठीक है। लेग्यूम बेसिकली फेबेसी फैमिली है, तो आर का फोर्थ ये ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट, सॉरी आर का टू, ये तो टू है, तो टू वाला ये और ये, यानी बी और डी ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। उसके बाद में यहाँ पर बी का फोर, यस ये, और उसके बाद में ये वाला फिफ्थ ऑप्शन, फोर का फिफ्थ, आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि इसको बस इसमें इसमें आपको कुछ कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना है, इस तरह के अगर एग्जांपल याद हो तो आप प्लीज आंसर कर लो। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, यहाँ पर भी डिजीज इफेक्ट। अच्छा, यहाँ बॉटनी में एक चीज देखिएगा, ये वाला डिजीज से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, इसको स्टार मार्क करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरफ ब्लैक रोट, लूज स्मर्ट, पनामा विल्ट, बैक्टीरियो फ्रूट ब्लॉच, तो इस तरह के एग्जांपल आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब आ रहे हैं कि यहाँ पर लूज स्मर्ट जो होता है उसकी लोगों से होता है, क्यू का फोर्थ, तो क्यू का फोर्थ कहाँ है, सिर्फ यहाँ, आंसर ही मालूम है उसी की वजह से कर दिया, ये क्लास 11-12 के बुक से भी आया हुआ है। चाह रहे हैं इस तरफ में मैच करना, इधर इनके प्रोडक्ट है। ओके, तो फोटो रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन में सेरीन से ग्लाइसिन में कन्वर्जन होता है, ये करेक्ट है। रेस्पिरेशन एसिटाइल कोएंजाइम ए टू मेलानोइल कोएंजाइम ए, नहीं फैटी एसिड सिंथेसिस, यस ये करेक्ट है फैटी एसिड के लिए। अमाइनो एसिड डिग्रेडेशन, तो ये पी का हो गया फोर्थ और एस का हो गया सेकंड, बस आंसर विल बी क्यू का होगा थर्ड और आर का होगा फर्स्ट, आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहां पे देखिए सभी के बारे में जानने की जरूरत नहीं, कैफीन स्टिमुलेंट कितना लगता है, ये स्टिमुलेंट हो गया, तो क्यू कहाँ कहाँ है देख लीजिए, क्यू का फर्स्ट है यहाँ और यहाँ, यानी ए और सी ऑप्शन में इसको एक होगा। विन प्लास्टिन कैंसर एंटी कैंसर से, तो इसको बोलते हैं एंटी न्योप्लास्टिक, एस का होगा थर्ड, तो एस का हो गया थर्ड, तो आंसर देखिए ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ केमिकल डिफेंस इन द प्लांट। तो यहाँ पर इन स्टेटमेंट को देखना है कि करेक्ट है या रॉन्ग है। Pisatin, a phytoalexin produced by Ricinus communis, is a constitutive defense compound. नहीं, ये wrong statement. ये secondary metabolite है. Secondary metabolite हम कभी भी constitutive यानी हमेशा produce नहीं होंगे. जब जरूरत है तब produce हुआ. तो ये answer wrong है. तो Q, P वाला जहाँ जहाँ है वो wrong हो जाएगा.
ये दोनों स्टेटमेंट, अब इन दोनों से कोई करेक्ट होगा? फेसियोलस वल्गैरिस प्रोड्यूस्ड फेसियोलस एगुलेटिन आर वन विच इज टॉक्सिक टू काऊ पी विदिन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। काऊ पी इज ए सीड लेग्यूम प्लांट और लेग्यूम प्रोडक्ट, ये पल्सेस है जिसको खाने से बहुत सारे लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है क्योंकि ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ये टू स्टेटमेंट है, क्यू इज ए करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट सही आंसर है। ए सिंगल स्टेप नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसिडिक रिलीज ए टॉक्सिक हाइड्रोसाइनाइड एसिड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, नहीं ये लॉन्ग स्टेटमेंट है। एवेनासिंग ए ट्राई टर्पिनोइड सैपोनिन फ्रॉम ओट prevent the infection of gamomycosis graminis a major pathogen of cereal root, yes ye correct test saponin jo hai secondary metabolite hai aur ye is particular infection ko inhibit karta hai kisme oat mein, to answer q aur s correct hoga। theek hai next aata hai। in a garden pea dwarf plant terminal flower and recessive two tall terminal flower dwarf plant and terminal flower ye recessive hai two tall plant with axil flower, okay two breeding tall plant with axil flower were crossed with the two breeding of dwarf plant with terminal flower, the resulting F1 test cross and the flowering progeny were obtained, okay the map distance of the gene with plant height and flower position, bahut easy question hai। ye parental p1 hai tall and axil, ek type ke parent hai ye dusre type ke parent hai, ये रिकम्बिनेंट 1 है ये रिकम्बिनेंट 2 है, तो मैप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैप डिस्टेंस का मतलब है कि आप रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लो। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट R1 + R2 divided by p1 plus p2 plus r1 plus r2 into 100%, ये आंसर होगा। यहाँ पर 79 plus 83 divided by 79 plus 83 plus p1 कितना है 320 plus 318, तो नीचे वाला कुछ चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। यहाँ पर 79 plus 83 ये आ गया 162 और 162 में बाकी ऐड कर देता हूँ 320 प्लस 318 ये आ गया 800, इसको डिवाइड कर देने से क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। 162 डिवाइड बाय 800 ये आ गया 2025 into 100%, which is 20.25%. ये 20.25 आंसर होगा, 20.25 सेंटी मॉर्गन। होप सो क्लियर। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लास्ट वन। ट्रू ब्रीडिंग स्नैप ड्रैगन एंटीरियम मैचेस, ओके प्लांट वन विथ रेड फ्लावर एंड अनदर विथ व्हाइट फ्लावर were crossed, okay the F1 were all pink plant flower, okay incomplete dominance ka example hai। when F1 plant were self they produced three kind of F2 plant with red pink and a white flower in 1:2:1 ratio, the probability of five plant pick up randomly two would be pink two would be white and one would be red, acha theek। चलिए तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर क्या होगा, देखिए रेशियो दिया हुआ 1:2:1 रेड पिंक और वाइट, तो 1/4 टोटल ये रेड का है और बाकी टोटल कितने 1:2 यानी टोटल है 1+2=3, 3+4 टोटल 4 1/4 हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट का क्या है, वाइट का भी 1 है तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक का क्या होगा, तो पिंक के नंबर 2 हैं डिवाइड बाय 4 यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी इंटीग्रली को फाइंड कर लेते। अब यहां पे कह रहा है कि पांच फ्लावर को रैंडमली पिक किया गया, रैंडमली
पिक्ड, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि दो रेड आए प्लस इसके साथ में दो वाइट, अच्छा टू पिंक आए, ओके सॉरी टू पिंक आए प्लस टू रेड, नहीं टू वाइट आए, क्या टू वाइट आए और वन रेड आए, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये मस्ट कंडीशन मस्ट है। इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल कॉम्बिनेशन का, फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन, क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स में पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा तो देखिए कैसे करेंगे। सी इज ए कॉम्बिनेशन, टोटल कितने फ्लावर को चूज करना है, फाइव, फाइव मेरे पास ऑप्शन है, उसमें से पिंक कितने हैं, दो, ठीक है, इनटू इसका हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये टू वाइट है तो टू वाइट का ये टू वाइट, तो इसमें से पांच में से तो दो पिंक खत्म हो गए, बचे कितने अब टोटल, थ्री, दो तो यहां चले गए ना, तो तीन बचा, तो अब तीन में से कितना वाइट आएगा, दो चाहिए वाइट, तो दो यहां यूज हो गए, दो यहां यूज हो गए, बचा कितना, एक, एक और एक में एक रेड चाहिए बस, ये इसको कैसे लिखते हैं, फाइव इंटू फोर और टू इंटू वन, नीचे वाला जितना टाइम तक वन तक चला गया, कितने टाइम तक, वन और टू, दो बार, तो इसको दो बार माइनस ऊपर से कम करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई नीचे की तरफ थ्री इंटू टू, टू इंटू वन ये होगा, और ऊपर में सिर्फ एक, यहाँ भी एक क्योंकि ये नीचे में सिर्फ वन है तो ऊपर भी वन ही रहेगा, ठीक, ये बस यही आंसर होगा। ये टू को इस टू से कैंसिल, ये टू को इस टू से कैंसिल, तो आंसर होगा 5 into 2 into 3, 5 10, 10 into 30, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये अच्छा, यहां पर एक चीज और, ठीक है, ये 30, तो 30 टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल, ठीक है, ये 30, ये क्या आएगा, सी कॉम्बिनेशन आएगा, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अब आ रहे हैं कि इनमें व्हाइट का जो पिंक का दो दो है, इस 30 को यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, 30 टाइप के डिफरेंट है, अब यहां पर इनटू 30 इनटू 2 पिंक की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर मैंने निकाला हुआ पिंक की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसके दो फ्लावर हैं तो पावर 2 इनटू व्हाइट के कितने हैं 2, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितना 1/4, 1/4 टू द पावर 2, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, सिर्फ एक ही है तो 1, एक ही रेड है तो इसको सिर्फ 1 रखेंगे, बस ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो 30 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर की तरफ सब 1, नीचे की तरफ 4 इंटू 4 चौक 16 इंटू 4, यानी 30 डिवाइड बाई 4 चौक 16, 16 इंटू 16 यही होगा, 16 इंटू 16 होता है 256, ठीक है 256। अच्छा कुछ परसेंटेज में पूछ रहा था, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 100% से ये आंसर होगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 30 डिवाइड बाई 256 इंटू 100 आंसर होगा 11.718, यानी अप्रोक्सीमेटली 11.72% ये आंसर होगा। होप सो ये समझा, तो मेरा आंसर कितना रहा 11.72 ये। चलिए तो इसी के साथ में मैंने टोटल 1 to 20 सारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम 1 to 20 क्वेश्चन फ्रॉम गेट बॉटनी एक्सेल आर कोड फ्रॉम गेट 2018 का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लाइफ साइंसेस के बॉटनी के प्रिपरेशन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मेरे कम्युनिटी टैब में भी रेगुलर विजिट करते रहिए ताकि कोई भी नए वीडियोस का या नए जो फ्री कोर्सेज को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे कि कल से, यस मुझे एक अनाउंसमेंट भी करना है इस वीडियो में कि कल है 12th, तो कल के दिन से फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे विच इज 12th मार्च, हम लोग क्रैश कोर्स या एक कह सकते हैं नेट, CSIR नेट। बहुत सारे बच्चे ने ये बोला था कि सर आप CSIR नेट के क्लास को स्टार्ट कीजिए, तो मैं CSIR नेट लाइफ साइंसेस के लिए मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं यूट्यूब लाइव सेशन में पूरे बायोकेमिस्ट्री को पढ़ाने वाला हूँ। टाइमिंग जो होगा वो टाइमिंग होगा 9 to 10 PM। तो सभी को, आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अपने कलीग को भी बता दीजिए या जो भी इंटरेस्टेड है CSIR का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बता दीजिए कि बायोकेमिस्ट्री का कल पहला लेक्चर होने वाला है, टाइमिंग 9 to 10, फ्राइडेज 12th मार्च को शुरू कर रहे हैं, CSIR नेट लाइफ साइंसेस को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग साइंस एकेडमी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।